यह अनोखी कहानी बहुत समय पहले की है। सुंदरवन नाम के जंगल में वीरभान नाम का एक सफेद शेर रहा करता था। वीरभान शेर बहुत ही नेकदिल और बहादुर था। वीरभान शेर की 5 बेटियां थीं, जो की सभी सफेद शेरनियां थीं। वीरभान की पत्नी अपनी 5 बेटियों को जन्म देते ही चल बसी थी। तब से अब तक वीरभान ही अपनी 5 बेटियों की देखभाल कर रहा था। वीरभान हमेशा अपनी बेटियों के साथ ही रहता था। वीरभान शेर अपनी बेटियों के लिए एक माँ और एक पिता दोनों का फर्ज एक साथ निभाता था। ऐसे ही एक बार वीरभान शेर अपनी 5 बेटियों को लेकर जंगल से जा रहा था। तभी वीरभान शेर अपनी बेटियों से कहता है, मेरी बेटियों जरा ध्यान से चलना, कहीं तुम्हें कोई जानवर खा ना जाए। तभी उन्हें जंगल में एक पेड़ दिखाई देता है, जिस पर मांस के टुकड़े लगे हुए थे। यह देखकर वीरभान की बेटियां मांस खाने की जिद करने लगती हैं। पिताजी, हमें बहुत भूख लगी है, वह सामने उस पेड़ पर बहुत सारा मांस लटका हुआ है, हम अभी वह मांस खा कर आते हैं। ठीक है मेरी बेटियों, परंतु ध्यान से जाना। लेकिन वह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था, वह तो एक शैतानी शक्तियों वाला खूनी बाघ था, जो अपनी माया से पेड़ का रूप धारण करके उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। सफेद शेरनियों को बहुत भूख लगती है। वे सभी भागी भागी मांस के पेड़ के पास आती हैं और उसे मांस तोड़कर खा जाती हैं। मांस खाकर उन सभी का पेट भर जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वीरभान शेर और उसकी बेटियों की जाते ही वह खूनी बाघ अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, अब आएगा मजा, मेरे जादुई मांस खाकर अब उनका क्या हाल होने वाला है, मैं उस वीरभान की 5 बेटियों को खा जाऊंगा। वहीं जैसे ही सुबह होती है, वीरभान शेर देखता है कि उसकी सभी बेटियों के पेट में से वही मांस का पेड़ उगा हुआ है और उन पेड़ों पर वह मांस भी लगा हुआ था। यह देखकर वीरभान शेर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। हे भगवान, यह मेरी बेटियों को अचानक से क्या हो गया। तभी इतने में वह खूनी बाघ भी वहां आ जाता है। शैतानी बाघ अपनी शक्तियों से वीरभान शेर पर हमला करता है और वीरभान को घायल कर देता है। वह खूनी बाघ वीरभान की बेटियों को लेकर अपनी गुफा में आ जाता है। शैतानी बाघ अपनी गुफा में आकर उन सफेद शेरनियों के पेट में जो पेड़ लगा हुआ था उसे मांस निकालकर खा जाता है और अपने शैतानी बाघों की सेना को भी खिलाता है। जादुई मांस खाते ही बाघ की शैतानी सेना ठीक हो जाती है। बाघ और उसके सभी सैनिक मांस खाते ही शक्तिशाली हो जाते हैं। खूनी बाघ अपने सैनिकों से कहता है, मेरे सैनिकों, ये सभी शेरनियां वीरभान शेर की बेटियां हैं, हम इन सबको बाद में आराम से खाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें वीरभान शेर को खत्म करना है और उसके जंगल पर कब्जा करना है। ऐसा कहकर वह शैतानी बाघ वीरभान की बेटियों को वहीं कैद कर देता है और अपनी शैतानी सेना को लेकर वीरभान शेर को मारने के लिए वहां से निकल पड़ता है। उधर जब वीरभान शेर को होश आता है, वह भागा भागा गोल्डन शेर के पास आता है और कहता है, मेरे दोस्त गोल्डन शेर, मेरी सहायता करो, एक शैतानी बाघ ने मेरी बेटियों को कैद कर लिया है, मेरी सभी बेटियां खतरे में हैं और उनके पेट में एक अजीब सा पेड़ भी उगा है, वह खूनी बाघ मेरी बेटियों को मारकर खा जाएगा, उस खूनी बाघ से मेरी बेटियों को आजाद कराने में तुम मेरी मदद करो। वीरभान शेर की बात सुनकर गोल्डन लायन कहता है, ठीक है वीरभान, तुम मुझे उस शैतानी बाघ के पास ले चलो। तब वीरभान शेर गोल्डन लायन को लेकर उसी जंगल में आ जाता है जहां वह खूनी बाघ था। तभी सामने से एक गाय उनके सामने आती है और कहती है, अरे शेर महाराज, लगता है आप कहीं दूर से आ रहे हैं, आप दोनों थक गए होंगे, यह लो, मैं तुम दोनों के लिए मांस लेकर आई हूँ, इसे खाकर तुम अपनी थकान मिटाओ। दरअसल वह गाय वह खूनी बाघ था जिसने गाय का रूप धारण कर रखा था। गाय की बात सुनकर गोल्डन शेर उसकी बातों में आ जाता है और मांस खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वीरभान शेर गोल्डन लायन को रोकते हुए कहता है, रुको मेरे दोस्त, यह मांस मत खाओ, यह एक छलावा हो सकता है। वीरभान शेर के इतना कहते ही उस गाय को बहुत गुस्सा आता है और खूनी बाघ अपने असली रूप में आ जाता है और साथ ही उस खूनी बाघ की सेना भी वहां प्रकट हो जाती है। शैतानी बाघ के सैनिक गोल्डन लायन को घेर लेते हैं। मौका मिलते ही शैतानी बाघ वीरभान शेर पर हमला करता है और वीरभान शेर को वहीं मार डालता है। यह देखकर गोल्डन शेर को बहुत गुस्सा आता है। गोल्डन शेर एक एक करके अपनी शक्तियों से बाघ के सभी सैनिकों को मार डालता है। यह देखकर खूनी बाघ हैरान हो जाता है और वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन गोल्डन शेर खूनी बाघ पर हमला कर देता है और उस शैतानी बाघ का अंत भी वहीं कर देता है। शैतानी बाघ और उसकी सेना को मारने के बाद गोल्डन शेर उसकी गुफा में आता है और वीरभान शेर की 5 बेटियों को आजाद कर देता है। बेटियों, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पिता वीरभान को नहीं बचा सका, अब से मैं तुम्हारा पिता बनकर तुम सबका पालन पोषण करूंगा, आज से तुम सब मेरी बेटियां हो। ऐसा कहकर गोल्डन लायन उन 5 सफेद शेरनियों के साथ जंगल में हंसी खुशी रहने लगता है।
हैं। वहाँ एक दरवाजा सोने से बना हुआ था और एक दरवाजा साधारण लकड़ी का था। उन दरवाजों के सामने एक सफेद शेर खड़ा था। एक जंगल में गब्बर और सीमा नाम के एक शेर शेरनी रहते थे। गब्बर और सीमा अपने बेटे सिम्बा के साथ बड़ी खुशी से जंगल में रह रहे थे। वहीं उसी जंगल में काली नाम की एक विधवा शेरनी अपने बेटे बंटी के साथ रहती थी। हाल ही में उसके पति शेर खान की मृत्यु हो गई थी। तब से काली अपने बेटे बंटी के साथ अकेले ही जंगल में रह रही थी। काली बहुत घमंडी, निर्दयी और बदले की आग में जल रही थी, क्योंकि उसके पति शेर खान की हत्या गब्बर शेर ने की थी। इसलिए काली शेरनी गब्बर शेर से अपने पति की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी। गब्बर शेर, मैं तुझसे अपने पति की हत्या का बदला जरूर लूंगी। तूने मेरा परिवार उजाड़ा है और मेरे बेटे को अनाथ किया है। मैं तुझसे इस सब का बदला जरूर लूंगी। वहीं एक दिन सिम्बा अपने पिता से कहता है, पिताजी मैंने सुना है हमारा जंगल बहुत बड़ा है। आज मेरा जंगल घूमने का बहुत मन कर रहा है पिताजी। सिम्बा की बात सुनकर गब्बर कहता है, अच्छा सिम्बा ऐसी बात है तो आज मैं तुम्हें जंगल घुमा कर लाता हूँ। यह कहकर गब्बर शेर अपने बेटे सिम्बा और शेरनी के साथ जंगल में घूमने के लिए निकलता है। सारा जंगल घूमने के बाद जब शाम को वह सब वापस लौट रहे होते हैं, तभी सीमा थोड़ा पीछे रह जाती है। गब्बर शेर सिम्बा को लेकर थोड़ा आगे आ जाता है। तभी कोई पीछे से आकर अचानक से सीमा पर हमला कर देता है और सीमा को वहीं मार देता है। जब गब्बर शेर देखता है कि उसकी पत्नी सीमा उसके साथ नहीं है, तो गब्बर वापस पीछे आकर देखता है तो उसे सीमा की लाश दिखाई देती है। उसकी पत्नी शेरनी मर चुकी होती है। सीमा की ऐसी हालत देखकर गब्बर शेर बहुत दुखी होता है। अरे सीमा, यह तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? अब मैं हमारे इस बच्चे का पालन पोषण अकेला कैसे करूंगा? अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन भालू और गाय गब्बर शेर के पास आकर कहते हैं, देखिए महाराज, आपके साथ जो कुछ भी हुआ हमें उसका बहुत दुख है, परंतु महाराज अब बहुत समय बीत गया है। सिम्बा बेटा अभी बहुत छोटा है, अभी उसे एक माँ की जरूरत है। मेरे ख्याल से महाराज आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ महाराज, मैं भालू की बात से सहमत हूँ। मेरा भी यही विचार है कि आपको सिम्बा के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। भालू, गाय, तुम दोनों सही कह रहे हो, परंतु मुझे ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी जो मुझ अभागे से शादी करे और मेरे बच्चे को पाले। तभी गाय बोलती है, महाराज हमारे इसी जंगल में एक काली नाम की शेरनी रहती है, आप उसी से शादी कर लीजिए महाराज। गाय की बात सुनकर गब्बर शेर काली से शादी कर लेता है। काली के साथ उसका बेटा बंटी भी आता है। काली शेरनी कुछ दिन तो गब्बर शेर के बेटे सिम्बा के साथ अच्छा व्यवहार करती है, परंतु कुछ दिनों बाद काली सिम्बा के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है और उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगती है। यहाँ तक कि काली सिम्बा को भरपेट खाना तक नहीं देती थी। गब्बर को इस बात की भनक ना लगे, इसलिए काली गब्बर के सामने सिम्बा पर बहुत प्यार दिखाती और गब्बर के ना होने पर वह सिम्बा को डांटती और धमकाती थी। एक दिन अचानक से गब्बर शेर बीमार पड़ जाता है। काली बंटी और सिम्बा से कहती है, सिम्बा बंटी जल्दी जाओ और भालू हकीम को लेकर आओ। सिम्बा और बंटी भालू हकीम को वहाँ लेकर आते हैं। भालू हकीम गब्बर की जांच करता है और कहता है, सुनो काली बहन, गब्बर शेर की हालत बहुत ही गंभीर है, इन्हें तुरंत जादुई सेब खिलाना होगा, लेकिन वह जादुई सेब पास के जंगल में मिलेगा, वहाँ तुम्हें दो जादुई दरवाजे दिखेंगे, तुम वहीं चले जाओ। भालू हकीम की बात सुनकर काली अपने बेटे बंटी और सिम्बा को जादुई सेब लाने के लिए भेज देती है। कुछ देर चलने के बाद वह दोनों उन जादुई दरवाजों के पास आ जाते हैं। वहाँ एक दरवाजा सोने से बना हुआ था और एक दरवाजा साधारण लकड़ी था। उन दरवाजों के सामने एक सफेद शेर खड़ा था। वह शेर उन दोनों से कहता है, सुनो बंटी और सिम्बा, यह दोनों जादुई दरवाजे हैं, इनमें से एक दरवाजा साधारण है, जिसके अंदर तुम्हें एक बूढ़ा शेर मिलेगा, वह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कुछ राज की बातें बताएगा, और इस गोल्डन दरवाजे के पीछे तुम्हें एक गोल्डन शेर मिलेगा, वह तुम्हें सोने चांदी से मालामाल कर देगा। अब तुम अपनी मर्जी से जिस रास्ते पर जाना चाहते हो चले जाओ। तभी बंटी कहता है, मुझे तो बहुत सारा सोना चाहिए, मैं तो इस गोल्डन दरवाजे के अंदर जाऊंगा। यह कहकर बंटी उस गोल्डन दरवाजे के अंदर चला जाता है, परंतु वहीं सिम्बा को तो वह जादुई सेब चाहिए था, तो सिम्बा उस साधारण दरवाजे के अंदर चला जाता है। साधारण दरवाजे के अंदर आते ही सिम्बा को वहाँ एक बूढ़ा शेर मिलता है। वह सिम्बा से कहता है, सुनो सिम्बा बेटा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, उस दिन तुम्हारी माँ सीमा की हत्या तुम्हारी सौतेली माँ काली ने की थी, काली ने पीछे से आकर तुम्हारी माँ पर हमला करके उसे मार डाला था। परंतु शेर, उसने मेरी माँ को क्यों मारा? क्योंकि कुछ समय पहले तुम्हारे पिता ने उसके पति शेर खान की हत्या की थी। शेर खान एक निर्दयी और घमंडी शेर था, वह तुम्हारे पिता को मारकर जंगल पर राज करना चाहता था। तुम्हारे पिता से
पता लेने के लिए ही काली ने तुम्हारी माँ को मार डाला। अब तुम मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों आए थे? शेर महाराज, मेरे पिताजी अचानक से बहुत बीमार पड़ गए हैं। मैं यहाँ वह जादुई सेब लेने आया हूँ। सिम्बा की बात सुनकर बूढ़ा शेरों से जादुई सेब दे देता है। उधर बंटी को उस गोल्डन दरवाजे के अंदर एक भयानक राक्षस मिलता है जो बंटी को देखते ही उसे वहीं मार देता है। सिम्बा जादुई सेब को लेकर अपने पिता के पास आ जाता है और गब्बर को जादुई सेब खिलाता है। जादुई सेब खाकर गब्बर शेर ठीक हो जाता है। तब एक दिन जब काली शेरनी बाहर होती है तब सिम्बा अपने पिता गब्बर को सारी बात बता देता है। सिम्बा की बात सुनकर गब्बर को काली पर बहुत गुस्सा आता है। जब काली वापस लौटती है तब गब्बर शेर काली से कहता है, अरे धोखेबाज कातिल शेरनी, मुझे पहले पता होता तो मैं कभी तुझसे शादी नहीं करता। चली जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। अगर तू शेरनी ना होती तो मैं तुझे यही मार डालता। गब्बर शेर काली को हमेशा के लिए जंगल से निकाल देता है और अपने बेटे सिम्बा के साथ खुशी खुशी फिर से जंगल में रहने लगता है।